हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुजरात की एक बहुत ही फेमस रेसिपी, जो गर्मियों में वहाँ घर घर में बनाया जाता है, पूड़ी आमरस। पूड़ी आमरस वहाँ पे कुछ भी स्पेशल ओकेशन में ज़रूर बनता है। आमरस वहाँ पे स्ट्रीट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। आज वही वाली रेसिपी मैं आपको घर पे बना के दिखाऊंगी। ये बनाना भी आसान है और साथ में टेस्टी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आमरस बनाने के लिए सबसे पहले मैं आम ले लूँगी। आम को मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। मैंने हिमसागर आम लिया है। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी आम ले सकते हैं। गुजरात में ज़्यादातर केसर आम का प्रयोग किया जाता है। मैं आम को अच्छे से सॉफ्ट कर लेती हूँ। अच्छे सॉफ्ट करने के बाद मैं ऊपर का हिस्सा निकाल के अलग कर दूँगी और उसका पूरा पल्प निकाल लूँगी। आप आराम से इसका पल्प निकाल लीजिए। यह आमरस बहुत अच्छा है खाने में भी और बहुत जल्दी बन भी जाता है, और इसको आप स्टोर करके भी आराम से रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ आम ज़्यादा पीले हैं, कुछ आम कम पीले हैं, पर मिक्स होने के बाद सब सेम हो जाएंगे। मैं गुठलियाँ को उसमें डालती जा रही हूँ। मैं पूरा जूस निकाल लूँगी। अब मैं गुठलियों से उसका पूरा रस निकाल लूँगी। अब देखिए, जितनी छोटी गुठलियाँ होगी उतने ही अच्छे क्वालिटी का आम होता है। अब मैंने मिक्सिंग जार ले लिया है। मिक्सिंग जार में मैं पूरा आम का पल्प डाल दूंगी। चीनी आप अपने स्वादानुसार लीजिए, जैसा आम मीठा है उस हिसाब से कम ज़्यादा कीजिए। यहाँ पे मैंने ठंडा दूध का प्रयोग किया है। ठंडा दूध डाल के अब मैं इस मिक्सी को चला दूंगी। अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख सके। अब मैं बाउल में इसको डाल दूंगी। आमरस बनके तैयार है। आप चाहे तो दूध की जगह दही का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इस आमरस के बाद मैं पूड़ी बनाऊंगी। मैंने आटा को नमक और तेल से गूंथ के रख लिया है। उसे आधा घंटा मैंने स्टैंडिंग टाइम दे दिया है और मैं अब इसकी पूड़ियाँ बेल लूँगी। पूड़ियाँ मैंने बेल ली है। अब तेल को मैं बहुत अच्छे से गर्म किया है। तेल का गर्म होना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, तभी पूड़ियाँ अच्छे से फूलती है। पूड़ियों को दबा दबा के हम इसे फुला लेंगे। जब पूड़ी फूलती है तो मन बहुत खुश हो जाता है। अब देखिए कितना अच्छा ये तैर रहा है। बनके तैयार है पूड़ी आमरस। इसे घर में बनाइए और सबको ज़रूर खिलाइए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।